Hi guys, welcome to my channel and today I'm going to show you honey facial at home. So let's begin. Facial का first step है cleansing. And cleansing करने के लिए हमें चाहिए honey and aloe vera gel. हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और अपने face को इसे gently massage करेंगे. सो दैट कि हमारे फेस की सारी गंदगी दूर हो जाए, क्योंकि हनी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है और हमारे स्किन को साफ़ और सुंदर बनाने में हेल्प करता है. एंड एलोवेरा जेल हमारे फेस को हाइड्रेट करेगा. और गाइस, आप लोगों को तो पता ही है कि एलोवेरा जेल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है. हम उसे अपने हेयर केयर, बॉडी स्किन केयर में यूज़ करते हैं. एंड अगर आप एलोवेरा जेल यूज नहीं करते हैं तो यूज करना शुरू कर दीजिए. एंड 4 to 5 मिनट मसाज करने के बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वाटर. लुक एट द ग्लो गाइस, मैंने अभी बस क्लींजिंग किया है और आप मेरे फेस का ग्लो देखिए. एंड अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे, जो कि है स्क्रबिंग. स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए राइस फ्लोर एंड हनी. इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इसे हम अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे एंड 1 से 2 मिनट तक मसाज करेंगे. हमें जहाँ पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मसाज करेंगे एंड और हमें लगे कि जहाँ हमारी स्किन को स्क्रब की नीड है वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया कि हनी हमारे स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमारे स्किन को स्पॉटलेस स्किन बनाएगा. एंड राइस फ्लोर हमारे स्किन को एक्सफोलिएटिंग का काम करेगा और स्किन को ब्राइटन बनाने में हेल्प करेगा. एंड 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद हम अपने स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे. एंड अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप, जो कि है मसाज. मसाज करने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून हनी एंड 1 विटामिन ई का कैप्सूल. इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और जेंटली मसाज करेंगे. विटामिन ई हमारे स्किन के एक्स्ट्रा डॉट को रिमूव करेगा और ब्राइटन बनाने में हेल्प करेगा एंड हमारे फाइन लाइन को भी रिमूव करने में हेल्प करेगा. इसे यूज़ करने से पहले आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा. अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ स्टेप, जो कि है फेस मास्क. फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी एंड 1 टेबल स्पून हनी एंड रोज़ वाटर. इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मुल्तानी मिट्टी से आपकी सनबर्न, टैनिंग, पिंपल्स और ब्लैकहेड की प्रॉब्लम दूर होगी और रोज़ वाटर के रेगुलर यूज से आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी. एंड अब हम इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे एंड 20 मिनट बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे. गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय.